आज हम दर्शन करेंगे शिरडी के श्री खंडोबा मंदिर के, जो शिरडी साई मंदिर से केवल 300 मीटर की दूरी पर है। खंडोबा मंदिर ना केवल अपने प्राचीन मूल के लिए बल्कि साई बाबा के साथ जुड़े होने के लिए भी विशेष महत्व रखता है। इस मंदिर की कहानी जानने के लिए हमने यहाँ के मुख्य कर्मचारी से बात की। मेरा नाम सत्यनारायण बी नागभाटी है। मैं शिरडी का रहने वाला हूँ, खंडोबा मंदिर का कर्मचारी हूँ। ये शिरडी खंडोबा का मंदिर 300 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर का वैशिष्ट ऐसे है, ये शिव अवतार खंडोबा है, ये महाराष्ट्र के कुल देवता है, इनके पुजारी है मालसापति। जब बाबा पहले बार आए औरंगाबाद के पास में एक दुपखेड़ा गांव, वहाँ से चांद पटेल के भांजी के बारात में आए। आने के बाद में बाहर पेड़ दिख रहा है, उस पेड़ के नीचे खड़े थे बाबा। बाबा की पहचान पहले से ही बाबा बोल करते थे। मालसापति की नज़र बाबा पे पड़ी, उनके मुंह से निकला आओ साई, तब से नाम पड़ा है साई बाबा। और बाबा ने यहाँ से नाम धारण करके द्वारका माई चले गए और उधर ही रह गए। फिर उधर जो भी भक्त आता था, बाबा कहते थे इस खंडोबा मंदिर में मुझे साई नाम प्राप्त हुआ है, ये मेरे गुरु है, इनके पहले दर्शन बाद मेरे दर्शन, ओम साई। भगवान को चढ़ाने के लिए मंदिर के अंदर ही फूल और अन्य पूजन सामग्री उपलब्ध है। पहले इस जगह से लोग आग में से होकर गुजरते थे, जो प्रथा अब बंद कर दी गई है। हमें यहाँ काफी सुकून प्राप्त हुआ, तो जब भी शिरडी आए यहाँ के दर्शन करना ना भूलें।